हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। ये तीन तीन बच्चे कौन हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे को तो आप जानते ही हो और आप इसको भी जानते हो और इसको भी जानते हो। दीपांशु, तेरे को कितने विशेस मिले थे हैप्पी बर्थडे पे? 104। 104 विशेस मिले थे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या करने आए हो? घूमने आए हैं। घूमने कैंपर देने। अच्छा, बुई के साथ मिलने के लिए? यस। अच्छा, और क्या करने आए हो आप? कुछ नहीं, स्वास्थ्य के साथ खेलने। स्वास्थ्य के साथ खेल, सुबह सुबह मस्ती। यस, आज हम काम कुम हो गया, साथ सबका होमवर्क वगैरह सारा कंप्लीट हो गया। यस। आपका हो गया दीपांशु? यस। आपका हनी? यस, मेरा। दीपांशु, क्या दिया बुई ने? बुई ने क्रॉक्स दी। बुई ने क्रॉक्स दी है बर्थडे पे? लेट मिला है बर्थडे। कोई बात नहीं, अभी और भी गिफ्ट है तेरे। अभी तेरे खाने पीने की चीजें भी पड़ी हुई हैं सारी, अभी देती हूँ बाद में। अभी आएंगे, मम्मी को बोलिए आज तैयार हो जाएगी बिल्कुल, साड़ी वाड़ी डाल के आज डॉली की माइके दिखाएंगे। और तुम भी कल निकल आ जाना है? कल मम्मी बनाएंगे। नहीं, कल नहीं, आज आएंगे हम। नहीं, कल मेरा बर्थडे है, कल नहीं जाना, कल हम कहीं जाने। फूफा का बर्थडे, तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। आएंगे तो देना पड़ेगा। तो कल, अगर कल मैं आ गया तो मैं गिफ्ट देने। कल सही कह रहे, कल आएंगे। कल कल पापा का भी बर्थडे है। कल पापा का भी बर्थडे है। तेरी मम्मी का भी बर्थडे है? मेरी मम्मी का भी बर्थडे है। तेरी मम्मी? मैं आ गया था सामने की दुकान के, शॉप के सामने गीता भवन मंदिर है, तो यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। तो मैम, टाइमिंग क्या होता है? 12:30 to 2। सारे होम्योपैथिक की मेडिसिन वगैरह मिलती है? ठीक है। ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सारी चाहिए होते हैं, मतलब सारी मेडिसिन होती है, सारी बगैर पे ला जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर। संडे ऑफ, टाइमिंग 12:30 से? तो गाइस, 12:30 से 2 बजे तक है, होम्योपैथिक मेडिसिन है सारी। तो अगर आप आना चाहो गाइस, हम जा रहे हैं कहीं पे, मिलेंगे वहीं पे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कहाँ जा रहे हैं आपको बताएंगे अभी। कहाँ कहाँ जाना है डॉक्टर? जहाँ जहाँ आप ले जाओगे वहीं वहीं चलेंगे हम। तो जहाँ 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 आप चाहोगे वहीं। चलो, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं आया था तिलक नगर मार्केट में, मुझे आ गई है ये कैब पसंद। डॉली जी, इधर आओ, देखो कौन सी कैब पसंद आ रही है। तो गाइस, काकू को ये ब्लैक वाली पसंद आई है, हमने ये ली है ब्लैक वाली कैब पसंद। और भी कलर है, वाइट मेरे को पसंद नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए बैग। ट्रैवलिंग के लिए बैग, कहीं जाएंगे तभी तो ट्रैवल करेंगे ना। जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, छुट्टियों से पहले जाना ही जाना है। काकू जी, चले अब। तो गाइस, हम आ गए थे जनकपुरी छोटी सब्जी मंडी में, और ये है सारी मेयोनीज, और ये तंदूरी वाली है, ये 4 बर्गर वाली है, एक क्यूम्बर एंड कैरेट की है, वी वी बाकी है सारी। हम अब देखते हैं क्या क्या लेते हैं। और कुछ लेना है अभी? अभी तो मिक्स सब्जी लिया और अचार लिया है। और कुछ लेना है? पनीर वगैरह देख लो यार। ये ले लिया हमने निलॉन्स का अचार, 5 किलो वाला। 5 किलो का सही रहेगा ना अचार डॉली? है, सलाद वगैरह साथ में होगा। 5 किलो का अचार ले लिया, ठीक है, निलॉन्स का। तो गाइस, अब ये काकू रुक गया, हमने सामान ले लिया था यहाँ से, अमित पनीर भंडार से सामान ले लिया था, ठीक है। और ये रुक गया काकू, कौन सा फ्लेवर लेना है? इन दोनों में से कोई एक लेना। फालसा या काला खट्टा? हाँ। तो फालसा ले ले, काला खट्टा रहने दे, फालसा गर्मियों में अच्छा होता है। डॉली, फालसा लेने हैं? तो भाई साहब, फालसा जो गोली, हाँ फालसा जो होते हैं, फालसे बड़े जो बोलते हैं, फालसे बड़े रसीले रहा वो वाले जो होता है फालसा, वो वाला फालसा होता है। तो गाइस, ये फालसा का शरबत है, काकू को आ गया पसंद। यहाँ पे काट लगी है, कहाँ पर लगी है सर आपकी? ये हमारा सर हड़ी स्टोर में है। अच्छा, आपका सारा स्टोर पे, हम तो केनोपी आपका हमारा सैंपलिंग परचेस है, सैंपलिंग यहाँ पे करवा के टेस्ट करो। गाइस, काकू कौन से वाले ले लिए फ्लेवर? रसीला फालसे ले लिया। हमारा अमित पनीर भंडार छोटी सब्जी मंडी जनकपुरी में लगा हुआ है। रास्ते में आते आते लग गई थी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। डॉली, क्या लिया आपने? मैंने फलूदा लिया है, और मैंने कुल्लड़ लस्सी, कुल्लड़ वाली लस्सी और फलूदा अग्रवाल स्वीट शॉप से लिया है। और अच्छा है फलूदा, बड़ा अच्छा होता है इनका। काकू इंजॉय कर, बहुत टेस्टी होता है फलूदा। और काकू ने लिया कुल्लड़ वाली लस्सी, लिया बाहर इंजॉय कर लिया। सार्थक बेचारा घर में अकेला है, तो उसके लिए जूस पैक करवाया। ऐसे जूस ही पीता है वो, ज़्यादा बाहर का खाता भी नहीं है, खाता नहीं है, उसको जूस ज़्यादा। तो भाई साहब, कर दो बढ़िया सा जूस पैक एक। तो गाइस, हमें मिल गए हैं जूस की शॉप पे सब्सक्राइबर। नाम क्या सर आपका? आशीष। आशीष, तो काकू जाओ आप मिलो उनसे।
हेलो काकू, तो मैंने इसको दूर से ही देखा काकू, तो मैंने इसको इसकी स्कूल ड्रेस में देखा था, तो ममता मॉडर्न स्कूल में था, तो आई एम आल्सो पास्ड आउट फ्रॉम ममता मॉडर्न. ओके ओके ओके. तो तब से तो मैंने इसको दूर से देखा, मैंने कहा ये लग तो काकू ही रहा है. हमारी पूरी फैमिली को फॉलो करते हैं, उनके ब्लॉग देखते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का. सो इट फील्स लाइक यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. ओके ओके. तो आप सबको नमस्ते, आंटी जी आपको भी, अंकल आपको भी, और चीना और आंटी बता रहे थे कि कन्नू की तबीयत ठीक नहीं है. हां मैंने अभी देखा था. तो कन्नू आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हेल्थ, गेट वेल सून. और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के ब्लॉग्स. मैं अरमान जी को भी फॉलो करता हूँ, कृतिका जी को भी फॉलो करता हूँ. सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एज वेल. बहुत अच्छा लगा आप लोग. थैंक यू सर. थैंक यू. ये सर जी क्या निकाल लिया आज आपने? अपने हॉट व्हील का कलेक्शन निकाला है. अपने हॉट व्हील का कलेक्शन. कितनी सारी गाड़ियां हैं अभी तो. और भी पड़ी बने, भाई की भी कितनी सारी पड़ी है ना. कितनी सारी गाड़ियां हैं. क्या करेगा आज, बचपन के दिन याद आ गए, खेलने लग गया. अच्छा जी, ये आज गाड़ियां निकाल के बैठ गए डॉली. ये आज ये सारी गाड़ियां निकाल के. मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये वाली. नहीं ये नहीं. सबसे पहले मैंने 5 गाड़ियां ली. अब कितनी है? बहुत सारी गाड़ियां. अभी भाई के भी ट्रॉली में बहुत सारी. किसी दिन दिखाएंगे गाइस, भाई के भी दिखाएंगे. ब्लू थैली में बहुत सारे खिलौने हैं भाई के, बहुत ज्यादा. हाँ हाँ. तू रहने दे, अभी बंद निकालियो, फिर निकालेंगे कभी. ठीक है ना? तो करके फटाफट करो, काम कुम हो गया सारा तेरा. भाई कर रहे लैपटॉप में. हाँ जी भाई साहब, क्या कर रहे हो अभी आप? एसएसटी का प्रोजेक्ट बनाया मैंने. एसएसटी का प्रोजेक्ट बना रहा है भाई से सीख के. बनाया एक, ये बनाया और आगे भी बनाया. और भी बनाया. ये देखो कौन से वाला, ये वाला. हाँ, ये वाला. चलो ठीक है, आ गया तेरे को लैपटॉप वगैरह सब चलाना आ जाता है. चलो ठीक है, आप करो भाई सब काम करो. काले काले फालसे फालसे बड़े रसीले. इसको मैंने सोडे में पी के देखा ना, बड़ा अच्छा था. अच्छा डॉली जी, कितनी देर में बनेगी रोटी? बस बन गई है, देर ही बैठा. चलो ठीक है. सब्जी में क्या है खाना? आलू बैंगन है. और दाल कहीं से कुछ मिला है क्या? हाँ मिला है, सब कुछ मिला है. खाओ बस, बैठो, अभी बहुत चीज आने वाली. दाल आपकी फेवरेट? तुअर की दाल. तुअर की दाल. तो चलो. मैंने मना कर दिया मेरे को. क्या? पिज्जा. पिज्जा सुबह. हाँ तो अभी ब्रेकफास्ट मैदा खाने का. ना ना, रात को तो पंगा ही नहीं है भाई साहब कुछ खाने का. सुबह ब्रेकफास्ट में खा लियो पिज्जा. ठीक है ना? जो तोतिया रोल आया वो भी बनाएंगे कभी ना कभी. फिर उसमें पनीर भी. नहीं अलग. रूपी प्रभाकर जी है, वो हमारे ब्लॉग यूके से देखती है. और वो उनका मैसेज आया था कि उनका छोटा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा लगता है. अबे नाम है उनके बेटे का. तो आप हमारे ब्लॉग देखती है, आपका थैंक यू. हैप्पी बर्थडे पापा. डियर पापा बोलो तुम, मैं नहीं बोलूंगी. मुझे अभी तो ये एक जीन्स मिली है, एक टी शर्ट मिली है, गिफ्ट. कोई बात नहीं आप. और एक ये चॉकलेट मिली है, बस इसी में टरका दिया इसने. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं टरका है. आपकी स्पेशल गिफ्ट अभी कहीं पड़ा है, देंगे बाद में. पेंडिंग है. पेंडिंग. अच्छा पेंडिंग. सरप्राइज वाला है, देख के चौंक जाएंगे जबरदस्त. अच्छा जी, कितना बड़ा गिफ्ट? बहुत बड़ा. बड़ा आपकी उम्मीद से बड़ा. साइड में बड़ा आपकी गिफ्ट? नहीं, उम्मीद से बड़ा. उम्मीद से भी बड़ा गिफ्ट. तो गाइस गिफ्ट का इंतजार करेंगे, देखो कब मिलता है. बिल्कुल गाइस, आपको जरूर दिखाएंगे, जरूर बिल्कुल. तो गाइस मुझे मिली है ये गोल्ड की चैन और दी है डॉली ने. और देखता हूँ डाल के कैसी लग रही है. और मिली का बैग टाइम दिखाओ बेटे, अपना टाइम. फिर क्या हुआ भाई आज पूरा दिन? आप गए अभी मिले रात को 1:45. तो कुछ हो रहा था. 2:45 रात के ये चैन दे रही है. ये कहते कुछ दिया नहीं, इतनी नॉर्मल सी पैंट कमीज से टरका दिया. मेगा नहीं, अब तक ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था. ले दे दो, मैंने भाभी से लिया ना ये. आपने अब दे दूंगी ना पैसे. तभी कहूँ की पैर को इतनी बातें क्यों कर रही है भाभी. नहीं तो बोल दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी मैं आपको. कहते कोई बात नहीं, घर अपना जब पापा मेरे से पूछ रहे हैं कि मम्मा
क्या बातें कर रही थी तो मैंने बोला तो बताया मुझे पता लग रहा है कोई ना कोई लोचा लग रहा है तुम्हारा तभी करके तुम इतना वो कर रहे हो। तो गाइज हो सकता है आज दो ब्लॉग आए, एक शाम को भी आ सकता है ब्लॉग। तो मुझे मिली है चैन और पैसे किसकी जेब में से जाएंगे अब मुझे नहीं पता, इनकी जेब में से जाएंगे कहाँ से और जाएगा कहाँ से जाएंगे। तो चलो ठीक है मिल गई है, चलो इस बारे में वो चीज ही बन जाती है ना फिर। और मिली हुई बर्थडे के तकरीबन पौने दो घंटे, 12 बजे बर्थडे खत्म हो गया, पौने दो घंटे के बाद कहाँ खत्म हुआ, अभी तो रात की बर्थडे, दिन का पूरा कल पड़ा हुआ है। तो गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें और बहुत सारी कोशिश करना पापा को, तब तक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बाय बाय।